जय माता दी, कैसे करें पूजा? पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ही पूजा करनी चाहिए। पूजा जमीन पर आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का रखना चाहिए। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएँ करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3, 3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र कदापि ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और खंडित मूर्तियां भी ना रखें। जलीकटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा देना चाहिए। यह अमंगल कारक हैं एवं इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी नहीं रखने चाहिए। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता और पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना लगाएं। विष्णु की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहां सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी, नारायण जी के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी आवश्यक है। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचाएं, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू लांगना, पाँव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना है। 2 झाड़ू को भी एक साथ ही एक स्थान में ना रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी परिस्थिति में झूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि झूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दे और ऊपर से ढक दे तो दोष निवारण हो जाएगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो, वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। घर में नित्य घी का दीपक जलावें और सुखी रहें। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती हैं। सेंधा नमक घर में रखने से सुख श्री लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, श्री लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणाव्रत शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्रपत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें, श्री लक्ष्मी की वृद्धि होगी। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में बाएं कंधे पर गमछा रखना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।